सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। तेर गांव वो गांव है जहां गोरा नाम के भक्त रहते हैं, जिनकी दो पत्नियां हैं, संती और रामी, जिनके यहां स्वयं भगवान विठलनाथ बिठू कुम्हार बन करके सेवा करते हैं। इस बात को गोरा कुम्हार भी नहीं जानते थे कि मेरे घर में जो नौकर है वो स्वयं विठलनाथ श्री कृष्ण बिठू का रूप धारण करके मेरे यहां बर्तन बनाते हैं, मिट्टी खोद के लाते हैं, बर्तनों को बेच करके गांव गांव में फिर पैसा मुझको देते हैं। मेरा जो नौकर है ये साक्षात श्री कृष्ण है, ये भी उनको पता नहीं था। भगवान श्री कृष्ण विठलनाथ बिठू कुमार का रूप बना करके आते हैं, साथ में रुक्मिणी भी रखमा नाम धारण करके आ गई और कहा गोरा कुमार से कि हमारे यहां पर अकाल पड़ गया, खाने के भी लाले पड़ गए हैं, हमको अपने यहां नौकरी पे रख लो, मैं बर्तन बहुत अच्छा बनाना जानता हूं, मिट्टी खोद के लाऊंगा, गधे पे ढोके लाऊंगा, बर्तन बनाऊंगा, बर्तनों को बेच भी दूंगा, मुझको नौकर रख लो, तुम लोगे क्या? उसने कहा कुछ नहीं, बस तुम कीर्तन सुनाया करो हमको, हमको कीर्तन बहुत अच्छा लगता है, बस रोटी रोटी पे तुम्हारा काम कर देंगे, अलग से कोई वेतन नहीं देंगे, बस तुम कीर्तन सुनाओ और हमको रोटी। ठाकुर जी और रुक्मणी काम करने लगे। भगवान ने गरुड़ को बुलाया, गरुड़ से कहा कि तुम गधा बन जाओ हमारे। गरुड़ जी गधा बन गए, ठाकुर जी बिठू कुमार बन गए। अब ठाकुर जी गधे को ले जाते हैं जंगल में, मिट्टी खोद के पीठ पे लाते हैं तो गोरा कुमार के आंगन में डालते हैं। जब ढेर लग जाता उसमें, रुक्मणी रखमा के नाम से नौकरानी बनी है, तेरणा नदी से पानी लाती है, मिट्टी में पानी डालती है, तब ठाकुर उससे कहते हैं गोरा से कि तुम, तुम्हारे हाथ नहीं है, पांव तो ढंग से चलते हैं, तुम पांव से रोंदा करो मिट्टी को और कीर्तन किया करो। तो गोरा कुमार मिट्टी रोंदते हैं, गारा बनाते हैं और भगवती रखमा रुक्मणी बाई मिट्टी के लोंदे बना बनाकर ठाकुर जी को देती हैं नीम के पेड़ के नीचे। ठाकुर जी चाक पर मिट्टी का लोंदा रख के घुमाते हैं और घड़े आदि बर्तन बनाते हैं और रुक्मणी स्वयं बर्तन मांजती है, चौका लगाती है, भोजन बनाती है और सबको पवाती है। कई बार तो ठाकुर जो बिठू बने हैं अपने हाथों से गोरा को भोजन कराते हैं क्योंकि हाथ दोनों कट गए हैं, रामी और संती भोजन नहीं करा सकती, क्यों? क्योंकि उनको छूना नहीं है। तो ऐसे करके रोटी खाया करते थे। तो ठाकुर जी बिठू कुमार के रूप में ठाकुर जी कहते ऐसे रोटी नहीं खाओगे, मैं खिलाऊंगा अपने हाथों से। तो स्वयं ठाकुर जी अपने हाथों से भोजन कराते और कई बार रुक्मणी अपने हाथों से गोरा का रोटी खिलाती। क्या भाग्य का, देखो सत्य धर्म के लिए, भगवान के लिए अपने हाथ भी काट दिए और अपनी दोनों पत्नियों के साथ जो व्यवहार किया, कसम दिलवा दी कि मुझको छुओगे नहीं, तुमको विठलनाथ की सुगंध है, सुगंध को रखा, दोनों को छुआ नहीं। परमात्मा की प्रीति को प्राप्त करने के लिए इतना बड़ी कुर्बानी, इतना बड़ा बलिदान दिया तो क्यों नहीं ठाकुर जी खेल करेंगे।